आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, आपकी अपनी आई टीज डेली ब्लॉग पे आपका स्वागत है। मैं सुबह से उठ के घर का हूँ बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है, तो हाउस में जो भी है हेल्पर वो नहीं आ रही है, तो घर का थोड़ा बहुत काम वगैरह जो भी था वो उसको ख़त्म किया। अभी आज मैं खाने में ना, मैं एक्चुअली आप बोल सकते हो कि एक्सपेरिमेंट भी कर रही हूँ, वो होता है, मैं नहीं बोल कि वो खाना नहीं बनता, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया है अपने लाइफ में, बट मैं सोच रही हूँ उसको आज ट्राई करूँ। प्रॉन बिरयानी बनाऊँगी एंड प्रॉन बिरयानी के साथ मैं मटन कोशा भी बनाऊंगी। तो मटन कोशा बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है, चावल बिठा दिए, ये मिल्क वगैरह बॉयल हो रहा है, इसको अवॉइड करो आप। किस किस को मिल्क पीना पसंद है? मेरे का तो बिल्कुल पसंद है, बचपन से नहीं था। अभी ये ऑयल गर्म हो गया है, फर्स्ट मैं मटन कोशा बना लूँगी, उसके बाद मैं प्रॉन बिरयानी का प्रिपरेशन करूँगी। बट प्रॉन बिरयानी के लिए मैंने चावल को 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है, उसके बाद मैं प्रोसेस धीरे 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 बताती जाऊँगी। तो ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, तो मैं टेस्ट करने के बाद ही बता सकती हूँ आप लोगों की वो कैसा हुआ है। आई होप अच्छा होगा, इतना भी ख़राब नहीं बना लूँगी मैं, इतना तो वो तो ना खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट है मेरे। मम्मी अभी थोड़ा सब्ज़ी वगैरह काटती है, और यहाँ पे साइक्लोन का थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, ऐसा ऐसा अभी तक कुछ नहीं है, स्काई थोड़ा क्लाउडी है, विंड अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं हो रहा है। आई होप सो ऐसे ही निकल जाए, किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। मस्टर्ड ऑयल जब गर्म होता है ना, उसका जो मतलब तेज बोलते हैं ना उसको, आँख में पूरा एकदम चलता है मेरे को। सब कुछ डन। अनिल को एक बरिस्ता बनाना है, उसके लिए काटा हुआ है, ये मटन में जाएगा, ये बिरयानी में जाएगा, ये सब है थोड़ा थोड़ा करके। अब मैं पटेटोस को फ्राई कर लूँगी, ऑयल गर्म हो गया है। उसके बाद ड्राई मसाला को ऐड करती हूँ, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी मैं इसमें जिंजर गार्लिक टमाटो एंड ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर दूंगी, 3 to 4 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ, रेस्ट मैं बिरयानी में डालूंगी, मैंने एक ही साथ पेस्ट कर लिया था। अब इसको अच्छे से मसाला को भून लेने के बाद मैं मटन के पीसेस को ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करती हूँ एंड 6 से 7 विसल दे दूंगी, बस मटन कोशा रेडी हो जाएगा। फर्स्ट मैं बरिस्ता बना ले रही हूँ, थोड़ा गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, शुगर, देखिए एकदम पहले अनियन को कम से कम 5 से 10 मिनट तक ट्रांसपेरेंटली फ्राई करना है, उसके बाद फ्लेम को हाई करूँगी। प्रॉन बिरयानी बनाने के लिए फर्स्ट मैंने अभी गरम पानी चढ़ा दिया है, सॉल्ट, शुगर, ब्लैक पेपर पाउडर, तेज पत्ता, बेली एंड गरम मसाला देके पानी को अभी बॉयल कर लूँ, उसके बाद मैं राइस को ऐड करके 75% कुक करूँगी एंड रेस्ट दम में कुक होगा। स्लोली स्लोली मैं पानी में ऐड कर दूँगी। राइस एकदम अच्छे से बॉईल हो गया है, उसको ऐसे ही रखना है, जैसे ये ज़्यादा बॉईल नहीं करना नहीं तो फिर टूट जाएगा। तो सब कुछ ही हो गया, अभी सिर्फ प्रॉन को थोड़ा मतलब वही मसालादार प्रॉन बनाना है, उसके लिए क्या क्या लगेगा एक बार देख लेते हैं। मैंने कढ़ाई में घी चढ़ा दिया है, ये वही है जिसमें मैंने बरिस्ता को फ्राई किया था, वही सेम घी मैं यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा बरिस्ता ऐड कर दिया,
उसके बाद मैं ये जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली एंड टमेटो पेस्ट को ऐड कर दूँगी। ये 2 टेबल स्पून चाहिए टोटल। रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर एंड जीरा पाउडर, इसको अच्छे से अभी 1 से 1.5 मिनट तक कुक करूँगी मैं। हाफ टी स्पून दही, फ्रेशली चॉप कोरिएंडर लीव्स एंड मिंट लीव्स थोड़ा ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। अब मैं ये फ्रेशली वॉश किया हुआ, एकदम क्लीन किया हुआ प्रॉन्स को ऐड कर दूंगी। प्रॉन को देने के बाद ज्यादा टाइम कुक नहीं करना, नहीं तो प्रॉन रबर बन जाएगा। थोड़ा सा कुक होने के लिए मैं रख दूंगी 2 से 3 मिनट। अभी फर्स्ट बिरयानी को भी प्लेस कर लेना है दम के लिए। सॉल्ट, शुगर, गरम मसाला पाउडर, बरिस्ता, कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स, सेकेंड लेयर फिर से करना है। गरम मसाला पाउडर, ग्रीन चिली, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में मैं कलर्ड राइस को दे दूंगी। अभी मैं घी यूज कर रही हूँ, क्लैरिफाइड बटर। अब इसमें 1/2 कटोरी मिल्क, उसमें 1.5 टीस्पून केवड़ा वाटर, 1 टीस्पून रोज़ वाटर, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ मीठा इत्र। इसको स्लोली स्लोली ऐसे दे देना है। मिल्क क्या करता है, ये आपका मॉइस्चर को कंट्रोल करेगा, ये ज़्यादा ड्राई नहीं हो जाएगा कि ये ज़्यादा पकड़ ना ले। तो इसको कम से कम 30 से 35 मिनट तक मैं दम करूँगी। आप यहाँ पे आटा का भी देके भी दम में डाल सकते हो, नहीं तो आप एल्युमिनियम फॉइल यूज़ कर लेना, वो भी चलेगा, दोनों ही बेस्ट होता है।
मैं एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ कर रही हूँ। थर्टी फाइव मिनट्स के बाद मिलते हैं। गैस में एक तवा चला देना है, उसके में ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, उसके बाद में ये इसको दम करने के लिए चढ़ा दूंगी। आप एक कोई भी हेवी कुछ ऐसे टॉप में डाल देना तो फिर वेपर नहीं निकलेगा। अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि दम एकदम कम्प्लीटली हो गया है या नहीं। बहुत गर्म है, इसको एकदम स्लोली खोलना है। प्रॉन दम बिरयानी रेडी एंड सर्व्ड। अभी टेस्ट करके मैं बताऊंगी आप लोगों को कैसा हुआ है। स्मेलिंग लाइक वाओ। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, पापा मम्मी बोलेंगे। रुको, फ्रंट नहीं खेव है। वेरी गुड। कैमरा के सामने बोल रहा है ऐसे ही सच में? यू नो मी, आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। चलो मैं अभी अपना प्रॉन दम बिरयानी को एंजॉय करती हूँ। तो मेरा राइट कम कर देना भाई, बिरयानी मेरे को दे दे। अच्छा ठीक है, जितना खाना है खाओ, बाकी मैं बिरयानी देती हूँ। बिरयानी इज गुड। बाहर का वेदर एकदम साइक्लोन, एकदम डार्क हो गया, ऊपर से मैं प्रॉन दम बिरयानी मटन कोशा के साथ एंजॉय कर रही हूँ बैठ के। सीरियसली गाइस, मैं पहले सोच रही थी ना, मैं खुद ही 50-50 मतलब श्योर नहीं थी कि पता नहीं कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या नहीं, बट सच में ट्रस्ट मी बहुत अच्छा बना था। आप लोग भी इसको ट्राई करो सीरियसली। तो मेरे पापा खाने वाले में से नहीं है, उनको मतलब पसंद नहीं आएगा, वो साफ साफ बोल देंगे बिल्कुल भी मत देना मेरे को, मेरे को पसंद नहीं मतलब मत देना। वो खाए मतलब एकदम परफेक्ट बना है, और सीरियसली आप देख भी सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, पूरा मुँह में पानी आ रहा है मेरे। अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगी, जल्दी से मैं भी उस पर अटैक करती हूँ। अभी जो कढ़ाई में मैंने किया था बिरयानी को, वो एकदम भी नहीं चिपका, आप देख सकते हो एकदम आराम से पूरा निकल गया। ऐसे ही इसको करना दोस्तों, नहीं तो ये राइस, एक राइस भी मतलब बर्बाद नहीं होगा, बिकॉज बिरयानी का राइस बर्बाद करना मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी मैं थोड़ा उठ जाऊँगी, अभी थोड़ा चाय वगैरह कुछ पीने का मन कर रहा है, फ़ोन भी चार्ज हो गया मेरा अच्छा खासा, हल्का फुल्का थोड़ा सो गई थी, थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ उसके बाद थोड़ा चाय या फिर कॉफ़ी पी लूँगी मैं। कॉफ़ी मम्मी पापा के लिए चाय बनाऊँगी, उसके बाद थोड़ा सीरियल वगैरह देखना है।
अभी देखते हैं, अभी सिचुएशन थोड़ा बाहर का देख के आते हैं कैसा है। सब सही है, बारिश वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, हल्का हल्का बारिश हो गया, एकदम हल्का हल्का। ब्लॉग यहीं तक ही, आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड हिट द बेल आइकन। मैं फिर कल हाजिर हो जाऊंगी एक नया और मजेदार ब्लॉग के साथ, तब तक लेकर बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आई होप सो यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, अगर वो बैन ना हो तो देखा जाएगा। चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बी सेफ।